शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में शारदीय नवरात्रों पर 1 लाख श्रद्धालु मां के दर्शन कर चुके हैं। वहीं अब तक 42 लाख चढ़ावा श्रद्धालुओं द्वारा इन नवरात्रों में चढ़ाया गया है। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शारदीय नवरात्रि ज्वालामुखी में आधे बीत चुके हैं। अभी तक मंदिर में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं 42 लाख चढ़ावा भी मंदिर में चढ़ाया गया है। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और अन्य भी कई सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वहीं कोविड नियमों की पालना भी सुनिश्चित की गई है। मास्क लगाना और पर्ची सिस्टम व कतार में दर्शन करवाने के लिए व्यापक प्रबंधन मंदिर प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इस बारे में मंदिर अधिकारी व तहसीलदार दीनानाथ ने बताया कि मंदिर में 4 नवरात्रों व आज 5वें नवरात्रे में सुबह 10 बजे तक 1 लाख श्रद्धालु मंदिर ज्वाला देवी के दर्शन कर चुके हैं। आज 5वां नवरात्रा है। आज तक शाम 10 बजे तक 4 नवरात्रों में लगभग 1 लाख श्रद्धालु ने जो माता ज्वाला जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया माँ ज्वाला जी का, और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का यहाँ पूर्णतः ख्याल रखा जा रहा है। हर एक श्रद्धालु को मंदिर प्रशासन की तरफ से पुख्ता सुरक्षा प्रदान की जा रही है, और प्रत्येक श्रद्धालु का जो है मास्क से के साथ ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, और कोविड-19 के नियमों का भी यहां कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सर, मंदिर में कितनी इनकम हुई आज तक? मंदिर में पिछले कल तक लगभग 42,83,103 रुपए मंदिर के खाते में जमा हो चुके हैं नवरात्र के 4 नवरात्रों के समय के। और सर ये बताइए, मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए कुछ अलग से क्या बंदोबस्त किया हुआ है? इस कोविड-19 के नियमों को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए अलग से जैसे कोविड-19 के नियमों का पालन करना, सैनिटाइजर, मास्क, और श्रद्धालु जो लाइन में लगे हैं जिनको बहुत लंबा कई बार अधिक समय तक भी खड़े होना पड़ रहा है, तो वहाँ जगह जगह पानी इत्यादि की व्यवस्था, जो वृद्ध लोग हैं या छोटे बच्चों वाली लेडीज हैं उनको जो है लाइन से हटकर अलग से दर्शन कराना, और जो अपंग लोग हैं उनके लिए मंदिर परिसर के अंदर व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है जिसके ऊपर बैठा के उनको दर्शन करवाए जाते हैं मेडिकल। और इसके अतिरिक्त मंदिर प्रशासन द्वारा यहाँ एक चिकित्सा कैंप भी लगाया गया है जो निशुल्क है हर एक यात्री के लिए, जो भी चाहे वहाँ निशुल्क चेकिंग भी की जाती है चिकित्सा की, और साथ में उनको जो है मुफ्त में दवाई भी उपलब्ध करवाई जाती है। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।